रशियन कंट्री साइड आने में सबसे अच्छी चीज ये है कि आपको इस तरीके के घर दिखते हैं। गुड मॉर्निंग भाई लोगों, तो आज है अपना चौथा दिन मॉस्को में, जिसमें एक दिन घूमे एक दिन बारिश में निकल गया। अभी मैं जा रहा हूँ रशिया के एक छोटे से टाउन में। अभी फिलहाल मैं जा रहा हूँ मेट्रो स्टेशन की साइड, क्योंकि जिस टाउन में मुझे जाना है वहाँ के लिए एक बस स्टैंड है अलग से। अब टाउन का नाम मैं प्रोनाउंस नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अगर आपने कभी गोल्डन रिंग का नाम सुना हो, पुरानी एंशियंट सिटीज है रशिया की जो की एक रिंग की फॉर्म में है मॉस्को के आसपास, तो उसको हम गोल्डन रिंग कहते हैं। तो जिस टाउन में मैं अभी जा रहा हूँ वो टाउन गोल्डन रिंग का ही पार्ट है। आज 3 दिन बाद यहाँ पे मॉस्को में धूप निकली हुई है और आज सड़कों पे भी भीड़ काफी कम है। रीजन ये है कि आज है सैटरडे, तो आज ऑफिसर्स की छुट्टी है। तो यार टिकट ले लिए, 55 रूबल की टिकट पड़ी है। आप वैसे कहीं भी जाओ मॉस्को में 55 रूबल की टिकट पड़ती है मेट्रो की। मेट्रो के अंदर ना वाईफाई भी है, अब ये मेरे को ये नहीं पता पासवर्ड वगैरह क्या है, लेकिन सामने स्क्रीन पे लिख के आ रहा है। तो यार अब पहुंच चुके हैं जो मेट्रो स्टेशन था, अब यहाँ से बस स्टैंड की साइड में जा रहा हूँ। इज इट मीन द स्कॉल ऑफ बस स्टेशन सचिवा रिव्यत इज दिस बस स्टैंड बस स्टेशन बस स्टेशन पता नहीं यार इन्हें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पढ़ तो रहे। बस टू प्रीविजल ज़ेलेंस्की रूसकी नियत я, блядь, нахуй. У меня жена по-английски лялякает, нахуй, блядь. Дочка. Я индийский. А я немецкий, и то, блядь, второгодник, нахуй, блядь, нахуй, блядь, и хуй, блядь. Шварн, блядь, гросс, нахуй, блядь, кляйн, блядь, нахуй, блядь. Я индийский. Дядя. Ладно, всего, успехов. Спасибо. А у тебя фотокамера, блядь, нахуй. Фото, блядь. Да, да. Всего. Привет англичанам, нахуй. Спасибо. А мы ракеты делаем, нахуй, блядь. Спасибо. Все дела. Я уже старых машин. Is this bus stand? Да. I wanna go here. Арбатско-Покровск, сейчас посмотрим. Переславль-Залесск. Бас. Бас? Да. О, пойдем. मैंने केवल बस स्टैंड पूछा है और ये मेरे को बस स्टैंड तक लेके जा रहे हैं। स्वास्थ्य कासा अब्बास बहुत नहीं बहुत नहीं सही है। हाँ स्वास्थ्य भाई रशियन थोड़ी सी और सीखनी पड़ेगी यहाँ पे, 10-15 दिन बिताने हैं। तो हालांकि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो गए यार ये भाई साहब, तो यहाँ पे छोड़ने आ गए यार। आंगली सोना रिवर्सल ज़ेलेंस्की Переслав Залесский। और यहाँ पे बस स्टैंड पे टिकट लेने के लिए भी इन्होंने पासपोर्ट मांगा मेरे से। भाई यहाँ पे आने आते अभी ना 2 बार चेकिंग हुई, एक तो टिकट लेते टाइम उन्होंने पासपोर्ट देखा मेरे से, उसके बाद ये स्पेशल अलग से बना हुआ है तो अंदर घुसा तो वहाँ पे दोबारा से इन्होंने पासपोर्ट चेक किया। अब मुझे ये नहीं पता कि कोई स्पेशल टाउन है जिसकी वजह से ऐसा पासपोर्ट चेक हो रहा है या फिर की जर्नी के बाद अब बस स्टैंड पे पहुंच चुका हूं मैं, जो ये टाउन का बस स्टैंड है बहुत छोटा सा। देखता हूं पहले मैप में कि इतना दूर है मेरा होटल जो है, नेटवर्क भी बहुत कम आ रहे हैं यहां पे। ककवा जाबू रमजान यस अविशाल मैं इंडस्ट्री
Откуда? Ну, Сити. Сити? Дели. А, Дели. Индия. Индия, Дели, да. Окей, of course. And you? А? Your city? Moscow. Moscow? Moscow, yes. Турист? Турист. Спасибо. Удачи. До свидания. बहुत ठंड है भाई, धूप निकली हुई है, लेकिन कोई ख़ास फ़र्क नहीं है इसका धूप का भी। मेरा होटल जो है ये बस स्टैंड से लगभग 2.5 किलोमीटर दूर है, फ़िलहाल पैदल ही जा रहा हूँ। काफ़ी ब्यूटीफुल सा है रशियन कंट्री साइड आने में। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आपको इस तरीके के घर दिखते हैं, छोटे छोटे घर। ये घर काफ़ी ब्यूटीफुल लगते हैं मेरे को देखने में। मौसम तो बहुत ही मज़ेदार है भाई, सही बता रहा हूँ। एकदम ऐसा लगता है किसी ने साला फ्रिज के अंदर बिठा दिया हो। चिल एकदम, जो कहता है ना, चिल एकदम मौसम है। लेकिन अच्छा है यार, मज़ा आ रहा है। छोटा सा टाउन है वो, देखो सामने किसी की छोटी सी बाइक रखी हुई है। मॉस्को से यहाँ पे आके ऐसा लग रहा है कि काफ़ी डिफरेंस दिखने वाला है। सोवियत टाइम की गाड़ियाँ हैं भाई, पुरानी वाली जो होती थी ना। तो यार यहाँ पे जैसे पतझड़ का मौसम चल रहा है ना, तो मैं पीछे चल रहा था, पेड़ से ये पत्ती गिर के आई। ये पत्ती कनाडा के झंडे में आपने देखी होगी, सेम पत्ती वही वाली। अब पता नहीं इसका नाम क्या है। फिश हर्बल, फिश हर्बल फिल्च बहुत। मिल गया होटल। मैं इधर देख रहा था, वो जो सामने वाला है ना वो है। होटल भी है, हॉस्टल भी है। मैंने हॉस्टल लिया है, लगभग 490 रुपये के आसपास एक दिन का पड़ा है। जो सबसे सस्ता मिल रहा था ना वो यही था। अभी जा रहा हूँ सामने जेब्रा क्रॉसिंग पे। प्लीज पासपोर्ट। Вы заселитесь потом, спуститесь нам, все дадите. Не, все правильно, ваша супруга все правильно сказала. Просто чтобы вы не ждали сейчас, пока мы человека оформляем. Третий этаж, третья каюта. Вы заселитесь, потом спуститесь, нам все сделать, чтобы мы вас не задерживали. Приятного отдыха. Wi-Fi. SMS. Авторизация, SMS. Shower, men. Туалет. Горячая, холодная вода, pool и как он называется? Yeah, pool and hot. Кипяточек. Чай. Сахар. Чашечки. Если что, ложечки, вилочки, микроволновая печь. Ваша комната. Любую свободную кроватку. Пожалуйста. Вот ваши комнаты. Полотенце сейчас дам. Спасибо. Очень хорошо. Хостел рум. Два бед япе. Ор кой би не бай келава. एक छोटा सा टाउन है यार, मतलब इतना टूरिस्टिक नहीं है ये। सही है यार, अच्छा है, प्राइवेट रूम सही हो गया अपना। तो यार मैंने खाना वाना खा लिया है, रात हो चुकी है। इनका अपना रेस्टोरेंट है होटल के अंदर ही, वहाँ पे मतलब बिल्कुल शांति से लोग खाना खा रहे थे, तो मुझे सही नहीं लगा शूट करना। तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ यार कि यहाँ पे सबसे पहली प्रॉब्लम जो मुझे लग रही है वो है खाने की। क्योंकि देखो मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग या कोई बड़ी सिटी होगी ना, तो वहाँ पे आपको KFC, मैकडोनल्ड्स, बर्गर किंग ये सब मिल जाएंगे। लेकिन जब आप छोटे छोटे टाउन्स में आओगे तो यहाँ पे आपको इंडियन खाना तो भूल ही जाओ, आपको
मैकडॉनल्ड्स और बर्गर किंग और केएफसी जैसी कोई फूड चेन नहीं दिखाई देगी। तो आपके पास ऑप्शन दो हैं, या तो आप सुपरमार्केट में जाके कुछ खाने के लिए खरीद लाओ, दूध खरीद लाओ, कॉर्नफ्लेक्स खरीद लाओ, नहीं तो फिर आप यहाँ का रशियन खाना खाओ, लोकल खाना। तो यार रशियन खाने में क्या होता है, स्पाइस कम होता है और थोड़ा सा नमक भी कम होता है। और दूसरी चीज क्या है, वेजिटेरियन खाना बहुत ही कम होता है रशिया में। तो कल इस टाउन को एक्सप्लोर करने वाले हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करिए, कॉमेंट करके बताइए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपने नहीं किया है, और बेल आइकन को भी हिट करिए। तो यार मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय ब्रोज़।